उनको घुमाने लाए हैं, लेकिन फ़ोन पे अपने बतियाए पड़े हैं, जबकि उनका फ़ोन ही नहीं बंद हो रहा है। जब से आए हैं उनको घुमाने, नए नए पुल पे ला के बैठा दिए हैं और वो कमज़ोर बतियाए पड़े हैं। जबकि ये पूरा पसीने से एकदम डूब गए हैं और चल रहे हैं, अब नहाएंगे धोएंगे, साफ़ सफाई करेंगे, फिर आगे देखिए क्या है, कुछ तो होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। तो धन्यवाद, प्रणाम, राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में आज क्या कुछ है, आज केवल हरियाली, घास और साफ सफाई छत पे। तो चलिए दिखाते हैं। पेड़ पौधों की एकदम हालत ख़राब हो गई, इतने घास आए हैं, चल रहे हैं इन सब की छटिंग करेंगे एक तरफ से। आज फूल बड़ा प्यारा खुला है, शनिवार भी है, बजरंगबली का दिन है, अब सबकी कटिंग करेंगे। पूरा पानी लग रहा है, छत खराब हो जाएगा। चलिए फिर कटिंग करते हैं। इतनी अच्छी कैंची ले आए थे, पता नहीं कैसी सब दिए कि कैंची ही खराब हो गई, तो कपड़ा काटने वाली कैंची का उपयोग कर रहे हैं, अब इसे साम धराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, दूध ये दे दो, गाय जो गाय खाती खाए तो दूध कितना देगी, लेकिन फेंकना पड़ता है, क्योंकि गाय पालने का अपने पास जगह नहीं है, नहीं तो पाल लेते एक गाय। वो नाखूनी हमारा खूब घन हो रहा है। घास को निकालते निकालते गर्म से एकदम पागल हो गए, पूरा एकदम से इतनी घास निकली, इतने फर्स्ट क्लास। अगर एक गाय होती तो उसमें एक झौली भूसा मिला के इसको काट के दे दिया जाता, पेट भर जाता। अब थोड़ा पौधे सही हुए, इसकी वजह से पूरा पानी लग रहा था, घास पूरा गमला एकदम भर गया पानी से। इसको निकाल, इतना हैवी है कि निकालना भी बहुत दूर है, देखते हैं कोई रास्ता निकालते हैं। इतने कूड़े हो गए, इतना प्यारा सा एक पौधा है, इसमें यह इतनी अच्छी खुशबू दे रहा है, दौना बहुत प्यारी खुशबू है। इसका एक पेड़ ले चलते हैं नीचे, ट्रांसप्लांट करेंगे, खूब सारे निकले हैं, जहाँ रहते हैं उस फ्लोर पे लगा देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। भरा पड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधा लगाना, पेड़ पौधे लगाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। अमरूद का पेड़ फल नहीं दे रहा, बस बढ़े जा रहा है, मुझे पुरस्कार रूप में मिला था, नागफनी एकदम फर्स्ट क्लास। और ये तुलसी भी निकाल लिया है, चल रहे हैं एक तुलसी का भी पौधा तैयार करेंगे। इसके बाद और पौधे दिखाते हैं, जो एक दिन हम नींबू का पौधा लगाए थे वो कितने बड़े बड़े हो गए। ये छोटा सा वही नींबू पेड़ है जो लगा पिछले साल मैंने दिखाया था, 10 महीने पहले एकदम छोटा सा था, आज बड़ा हो गया पीपल के। ये दूसरा नींबू का प्लांट हमने तैयार कर दिया है, ये तीसरा, ये चौथा, ये मेरा फूल कितना अच्छा खिला हुआ है। ये 3 साल से पूरे कंधे की लतर मेरी लगी हुई है, हर साल डाली सूख जाती फिर नया आता है। इधर मेरे ये पौधे लगे हुए हैं फर्स्ट क्लास के, लटक रहे हैं। यहाँ कॉर्नर में भी प्यारी से नागफनी है, और ये लखनऊ से ले आए थे हम रेलवे कार्यालय से पौधा, उसी लतर का एक पार्ट है जो कितना नीचे तक यह लटका हुआ है, बहुत नीचे तक गया है। ये अजवाइन का पौधा है मेरे, ये भी सो प्लांट है, तुलसी जी हैं, ये हमारी हरी हरी चाय है, ये भी हमारा सो प्लांट है, इधर भी तुलसी निकली, जहाँ देखो वहीं। ये तुलसी हमारी सबसे प्रिय तुलसी थी जो सूख गई, सेमी का पेड़ है, बारिश में खूब धन्य। पुदीना, पालक, वो फूल खिले हैं 2 छोटे छोटे, ये बहुत खूबसूरत खिलता है लेकिन साल में एक बार। एलोवेरा मैंने और भी सारा प्लांट कर दिया है, 2 गमले और तैयार कर दिए, इधर 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 है ही सब, ऐसे करके। अब जा रहे हैं तुलसी और दौना प्लांट करेंगे, यही तुलसी निकालेंगे, दूसरी तुलसी लगाएंगे। अब यहाँ के एक बड़ी तुलसी लगा दिया है, एक श्यामा तुलसी लगा दिया, अब थोड़ा सही हो गया, पुरानी सारी चीज़ें हटा के अच्छे से साफ भी कर दिया, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया घेरे होता है।